स्कूल कॉलेज। अब बेटियों को मत भेजना स्कूल कॉलेज, ना ही भेजना उन्हें अड़ोस पड़ोस खेल के मैदानों में। मत कहना उन्हें कि देखें आसपास दुनिया जहान, मत कहना उन्हें कि देखें आसपास दुनिया जहान, बताना भी मत उन्हें कि होठों के अंदर होती है जुबान। दिखाना नहीं कि सूरज की रोशनी उनकी दी है, बस कहना कि गर्म सूरज जला देता है। रात कुल्लुओं और चमगादड़ों से भरी होती है, रात शीतल चांद सितारों की होती है, मत कहना। घर एक कोना जैसे कोठार या उंडा घर, वैसा ही एक बेटी घर भी बनवा लेना। मत रखना छोटा होने और मत होने देना बड़ा, बल्कि मत ही करना पैदा बेटियां। और अगर आ ही जाए तो चटा देना नमक, और भी उपाय हैं धीरंग खोज लेना। पर अब मत ही लाना बेटियों को इस नए दिनों दिन बढ़ती बदलती दुनिया में। मेरी दूसरी कविता है, तुम्हारा ना होना। अब जबकि तुम नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, ना पीछे छूटी है कोई वजह इंतजार की, फिर भी जैसे उगाए हैं मुझमें ढेरों कान। अब सुन पा रही हूँ हवाओं की आहटें, जिनमें तुम्हारा ना होना बज रहा है। शायद सांदल की कोई खटक तुम्हारी हो, पर ये इस पसरे हुए सन्नाटे का प्रलाप है। देवी की धूल में नहीं है तुम्हारे कदमों के निशान, एक खालीपन सा उठने लगा है गमलों में, मैं शायद हर पानी से कोसने लगी। धूप अब भी चटकीली चमकीली है, रातें भी चांद सितारों से सजकर आती हैं, मगर इन शामों का रंग फटा फटा सा है। पता नहीं मेरी आंखों में बादलों ने डेरा डाल दिया है, या फिर ये गर्म चाय के प्याले से उठती भाप है। सच है कि समय पीछे नहीं लौटा करता, फिर भी ये तय तो नहीं था कि रास्ते यही रुक जाए। आसान में चले जाना छूट जाना बहुत मुश्किल। मेरी तीसरी कविता है, अच्छी लगती हो तुम सिगरेट पीती हुई। अच्छी लगती हो तुम सिगरेट पीती हुई, टेबल पर कोहनी टिकाए। अच्छी लगती हो तुम सिगरेट पीती हुई, टेबल पर कोहनी टिकाए। तिरछी हथेली पर झुका तुम्हारा सर, और मैनिक्योर लंबी उंगलियों में उलझी सी सिगरेट। धुएं की ऊपर उठती लकीर, एक गहरा कश। न्यू लिपस्टिक से सजे हो गोल हो गए हैं आंखें अधूरी सी। मेरी उपस्थिति को नकारती हुई तब में ली किसी सादगी सी, पता नहीं है, पर अच्छी लगती हो तुम मुझे सिगरेट पीती हुई। मेरी तीसरी कविता है, एक पुरुष कुछ औरतें। औरतें उसकी भूख का एक छोटा सा हिस्सा भर थी। औरतें उसकी भूख का एक छोटा सा हिस्सा भर थी, थाली में किनारे रखी अचार चटनी की तरह। हो तो कुछ अलग जायका, ना हो तो भी खाना बेमजा नहीं था। जरूरी दाल सब्जी से तो थाली फिर भी पूरी थी। वो इस जमाने का अकेला पुरुष नहीं था, पर उन औरतों का क्या जिन्होंने खुशी से पीसा जाना और थाली के किनारे में होने को अपना अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। वो उन खरपतवारों के जैसे थी जो हरी मखमली धूप में जब तक मुंह छुपाए थे, बस तब तक ही उनका होना था। सर उठते ही उनका उखाड़ फेंका जाना तय था। ये कुछ कुछ कैलेंडर जैसी थी, जल्दी ही दिन महीने साल से बीत जाते और फिर इनकी जगह एक नया कैलेंडर बीतने लगता, और ये धीरे से हटकर कबाड़ का हिस्सा बन जाते। वो पुरुष होने के दम से भरा एक बस एक पुरुष भर था, और बाकी सब औरतें बस औरतें ही हो रही थी। वो जी रही है जीवन ऐसा एक दम उनमें भी जीता। वो औरतें बस ऐसी वैसी हैं, बस ऐसी ही थी। कुछ कठपुतलियाँ सांस भी लेती हैं और कुछ बेतरतीब सिलसिले जंग खाए भी होते हैं।
छूती हूँ आसमान, उंगलियों के बोर पर कुछ नीला सा उतर आता है, वो बनाती है रंगीन तितलियाँ और मैं उनके परों पर सवार उड़ती हूँ बादलों में शाम तक। बिटिया की गहरी काली आंखों में जाते हैं जो लोग रोशनी के नन्हे दायरे यहाँ वहाँ चिलचिलाते हैं, एक तिलस्म सा रचने लगा है मेरे चारों ओर, ये सपना है अगर तो नहीं जाना है मुझे। माँ सर्दियों में रंग बिरंगे नर्म ऊन के गोलों से सुंदर स्वेटर बुना करती और उसके हथेलियों की गर्माहट चुपके से स्वेटरों में उतर जाया करती। जटिल जिंदगी से भी ज्यादा जटिल रंगों को बड़ी सरलता से उल्टे सीधे पत्रों में साथ देती। माँ ऊन के नर्म गोलों से अक्सर प्यार बुना करती थी। एक अखिल करता है आम आदमी। एक आदमी था ऊंचा होता लंबा चौड़ा, सोता था जागता था, खाता था पीता था, बस हंसता नहीं था। कितनी भी कोशिश की वो हंस नहीं पाया, बस होंठ वक्र हो जाते थे। वो लाफ्टर क्लब गया, रोज सुबह हंसने की प्रैक्टिस करता था, लोग उसे देख हंसने लगते थे। पर वो न हंस पाया। वो डॉक्टर से मिला, खुश रहने की सलाह और रिलैक्स होने की दवा लिए लौटा, पर काम कुछ भी ना आया। वो डिप्रेस्ड था बहुत, उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया, पर सब बेकार, कुछ भी नहीं बदला। उसने खबरें देखना छोड़ दिया, अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया, बस बेकार सब होने लगा। रास्ते में एक पेड़ दिखा, ग्रे पंछी शाम को लौटते हुए, कुछ अखबार तितलियां भी, एक सांझ का फूल बस अभी खिला। कुछ बदला सा था वो दिमाग, रात जुगनू उसकी आंखों में उतर आए। उसकी दवा का टाइम बीत रहा था और वो आकाश में सप्तऋषि ढूंढ रहा था। उस रात वो सोया तो राजधानी महक रही थी। सुबह उसने अखबार नहीं खोजा, वो मुठियों में भरता रहा तकिए पर उठी को। चाय कुछ ज्यादा मीठी लगी उस दिन और दिन रंग गुनगुना सा। वो घूम रहा था उस दिन जब प्रेम में लेटा नन्हा बच्चा बाहें फैला हंसाता होगी हंसी। उसने बच्चे को उठा लिया और हवा में ऊपर उछाल दिया। छुट्टू ने जोर की केकारी मारी, एक जादू सा हुआ, भूख सतरंगी हो गई। वो हंस रहा था, हंसता ही रहा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने हंसना सीख लिया था। वो जान लिया था खुश होना कुछ खास मुश्किल नहीं, एक आम आदमी ने जीना सीख लिया था। वाह, बहुत बहुत बहुत।